ये देखो सारस आ गया। सारस why are you home early today? झड़ रहे हैं ये सारा पेड़ आप देख रहे हो खाली हो जाना है, बस एक महीने की और बात है। टाइम हो गया है कुछ 5:45, बट जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा इतना अंधेरा हो गया क्योंकि टाइम हमारा यहाँ पे हो चुका है चेंज। अब एक घंटा हम पीछे चले गए थे, संडे को टाइम हमारा रात को जब 2 बजे थे तो 1 बज गया था। यहाँ पे ये टाइम को भी देख लो कंट्रोल किया होता है और इसीलिए वैसे बजने चाहिए। शाम के 7:45 बचे हैं अभी, ओनली 5:45। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा बाहर का वेदर कि कैसा वेदर है। और देखिए मतलब ऐसा लग रहा पूरे 8:30 बज गए, आप लोगों को मेरी शक्ल भी नज़र नहीं आ रही होगी, मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को। ये है व्यू हमारा रात का जो कि आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा। दीपिका कह रही थी आगे पहाड़ आएंगे तो दिखाना, ये पहाड़ देख लो फ्रेंड्स कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी टाइम देख लो सिर्फ 5:45 हुए, मौसम ऐसा लग रहा मतलब 8:45 हो गए होंगे। टाइम का भी बहुत चक्कर सा डाल देते हैं, अभी इस नवंबर में चेंज हुआ है, फिर अगले 6 महीने बाद इन्होंने फिर से 1 घंटा आगे कर देना है। अब हमें 1 घंटे की नींद और मिला करेगी, बट ये थोड़े दिन नहीं रहता, 3-4 दिन महसूस होता है, बट उसके बाद फिर नॉर्मल में आ जाता है। बट जब हम 6 महीने बाद फिर से जाएंगे फिर उन्होंने 1 घंटा आगे कर देना है। ये इसको डे लाइट सेविंग टाइम्स कहते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, बट मैंने कहा थोड़ा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। और जैसे कि पता ही है टाइम हो गया 5:45। तो हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जी एंड स्वागत है वेलकम टू अमेरिकन देसी व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो हमेशा सब्सक्राइब करने जरूर दबाइए और वीडियो अंत तक जरूर देखिए। करते हैं आज के नए व्लॉग की शुरुआत लेकर प्रभु का नाम, बोलो जय सिया राम। गुड आफ्टरनून गाइस, टाइम हो गया कुछ 12 बज गए और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा जिम लगाने, मैंने कहा थोड़ा वर्कआउट वगैरह लगाए। आज मौसम बहुत ही बढ़िया, मतलब धूप निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी ठंडी है पर इतनी भी नहीं है, बट हमने फिर भी जैकेट वगैरह पहन ली है। मौसम ऐसे ही बदल रहा है, पिछले हफ्ते इतनी सर्दी थी पूरी, मतलब जैकेट वगैरह हमने पहन के जा रहे थे, इस हफ्ते थोड़ा गर्म वगैरह हो गया, ऐसे फिर बंदे बीमार हो जाते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी। अब अगर इससे अगले हफ्ते जब सैटरडे संडे आना है ये वाला वीकेंड में इससे और भी ज़्यादा गर्मी हो जानी है, तो फिर वही जैकेट निकाल लो वो करो ये करो। अब ये हल्की सी जैकेट हमने देख लो डाली हुई है, शर्ट टाइप ही है, और अगले हफ्ते जब देखोगे तो डबल जैकेट हमने पहनी होगी, बस ऐसे चलता रहता है। यहाँ के मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता, नवंबर में स्पेशली ऐसे बदलता रहता है, बट दिसंबर में फिर तो पता ही आप लोगों को ठंड हो जाएगी पूरी पूरी। देखो सारस आ गया। सारस why are you home early today? It's early. Why? I don't know. This is just... because welcome you have a American Desi vlogs. Well, hello. Because सारस की कल है अपॉइंटमेंट स्कूल की। ये सारस का फ्रेंड है। Who is he? This is that your friend? No. Say hi. That's सारस friend. You play with him? Are you playing with him? Yes, I am. Is he at your house? No, we're just playing outside. Okay, what are you guys playing? We're just sitting down. Okay. Saras bhag gaya upar apne friend ke saath khelne.
यहाँ का सिस्टम देखो, अभी आगे स्कूल बस रुकी हुई है तो उधर का भी ट्रैफिक रुक रुक गया और इधर का भी ट्रैफिक रुका हुआ था, सारे बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। बट अगर स्कूल बस है तो उधर से भी नहीं कोई आ सकता और इधर से भी पीछे से भी कोई नहीं जा सकता। स्कूल बस को जहाँ पे भी रुक गई और उन्होंने स्टॉप साइन का अपना दे दिया, वहीं पे बस रुक जाते हैं सारे। छत के ऊपर देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सारा जो हमारा वो पीछे बड़ा पेड़ है उसके सारे पत्ते देखो झड़ रहे हैं, और नीचे देखो इतना गंद पड़ता है। मैं अभी अभी आया हूँ मैं जिम से, और मैंने आते ही देखा पीछे से इतने पत्ते झड़ रहे हैं। ये सारा पेड़ आप देख रहे हो खाली हो जाना है, बस एक महीने की और बात है। बाकी सारों कैसे यार्ड भरे हुए हैं, उनका यार्ड देख लो सामने, वो भी पूरा भरा हुआ है और हमारे छत पूरी भर गई है, इसलिए गटर सारे भर जाते हैं और फिर मुझे समर में इनको क्लीन करना पड़ता है। तो आप लोगों ने आगे का छत का नज़ारा तो देख ही लिया होगा, मैंने कहा आप लोगों को पीछे का भी नज़ारा दिखा दूँ। अभी ये पेड़ जो आप देख रहे थे पूरा झड़ा नहीं है और अभी झड़ रहा है, इतना काम हो जाता है ना यार्ड बैक यार्ड में। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसे पत्ते गिर रहे हैं और कितना भर चुका है और कितना अभी भरने वाला है, वो तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। देखो फ्रेंड्स, देख रहे ये सारे पत्ते भरे हुए हैं, मतलब ये कल मैंने थोड़ा रेक करने की कोशिश की थी, बट ये देखो अभी ये पूरा पेड़ झड़ेगा। ये आप पत्ते देख रहे हो ना, ये सारे झड़ के सारे नीचे आ जाने, और ये सारा हमारा बैक यार्ड भर जाना पत्ते से। अगर इन पत्तों को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ तो ये जो आप घास देख रहे हो सारी, ये सारी घास मर जाएगी, क्योंकि जब स्नो पड़ेगी ये पत्ते जम जाएंगे घास के ऊपर और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आप सभी जगह देख सकते हो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, पूरा हमारा बैकयार्ड भरा हुआ है पत्तों ही पत्तों से। इनको या तो मैं रेक करूँगा, जो हमारे पास रेक होता है उससे रेक करना पड़ता है, या फिर मैं इसके ऊपर मोवर चला देता हूँ। जो हमारे पास मोवर है, मेरा राइडिंग मोवर, वैसे तो मेरे पास पुश मोवर भी है, वो चला देता होता था, बट राइडिंग मोवर चला दूँगा। फिर क्या होता है कि ये जो पत्ते पड़े हुए हैं इनकी खाद बन जाती है, इनको जैसे पत्ते छोटे 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 पीसीज में कट जाते हैं और उसी से इन घास के लिए खाद बन जाती है। तो मैं ऐसे ही काट के, ये मैंने बहुत बाद देर बाद सीखा था, जब हम पहली बार मैंने रेक करना शुरू किया था, तो मतलब पहले 2 साल तो मतलब पूछो ही मत, इतना टाइम लग गया था, 25 से 30 गार्बेज बैग भर गए थे। बट फिर मुझे थोड़ी अकल बाद में आई, थोड़ी बाद में पता चला कि इनके ऊपर घास चला, अपना मोर वगैरह चला दो तो ये बन जाते हैं खाद। इस शेड में मैंने एक आधी चीज़ निकालनी है, आपको अंदर से नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सामान ज़्यादा ही बिखरा पड़ा है, ये तो अंदर से दिखा देता। हमारा एक ये शेड है और एक पीछे ये शेड है, तो इसमें से मैंने थोड़ा सा सामान निकालना है और वो निकालने के लिए मैं आया था। तो कल हम इसके लिए इस यार्ड को साफ़ करने के लिए लेके आए हैं अपना नया औजार, वो है ये ब्लोअर, ये है गैस ब्लोअर। मेरे पास लिक्विड अपना लिक्विड क्या दिया वायर वाला ब्लोअर पड़ा था, बट ये है गैस ब्लोअर। तो ये इसके लिए कि ये सारे पत्ते उड़ाने के लिए हैं और सारी क्लीनिंग कर देता है। मैंने कहा आप लोगों से ये भी शेयर कर लेते हैं, ये अभी मैं कल लेके आया हूँ वॉलमार्ट से। मैं आप लोगों को बताता होता था ना, मुझे ऐसे टूल्स लेने का बहुत शौक है, बट कल ये हम लेके आए नया, इसको अभी स्टार्ट करके देखते हैं। आज इसकी ज़्यादा आएगी बट अभी स्टार्ट करके देखते हैं। वैसे मैंने तो पैर को स्टार्ट तो किया था, अब इसको यहाँ पर रख के फिर इसको मिडल में ऐसे चौक हो गया, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा पीस साफ किया है, देखो यहाँ से पूरा क्लीन हो गया और सारे पत्ते आगे की तरफ चले गए। ये पत्तों का मतलब तंग किया हुआ है, इंडिया में होता है, पहले सांस चढ़ गई, इंडिया में होता था हम पत्ते इकट्ठे करते थे, आग लगा देते थे, बस ख़त्म हो गया कहानी। यहाँ पे आग लगा नहीं सकते, नहीं तो हमारे नेबर्स ने फ़ोन कर देना। फ्रेंड्स ये पेड़ देखो कितना बढ़िया, हाँ मज़ा आ रहा है। आज की ब्लॉग को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं,
होपफुली आप लोगों को हमारी आज की व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की व्लॉग अच्छी लगी तो मेरे लाइक बटन जरूर दबा देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लो, अगर कर लिया तो आगे से आगे शेयर करना। जेडन मेरी तरफ देख रहा है कि पापा क्या बोल रहे हैं, बट अगर कर लिया तो आगे से आगे शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हैव अ गुड नाइट गाइस।